विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार चलाई जा रही विशेष कार्रवाई में एटीएस और जीआरपी पुलिस को अजमेर में बड़ी कामयाबी मिली है। अजमेर रेलवे स्टेशन पर चुनाव के मद्देनजर जीआरपी पुलिस ने आश्रम एक्सप्रेस के लगेज ले जाने वाले डिब्बे की तलाशी ली, जिसमें 96 लाख रुपए नकद और 2 किलो चांदी बरामद हुई है, जो दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचाई जा रही थी। जीआरपी थाना प्रभारी राम अवतार सिंह ने बताया कि अजमेर रेलवे स्टेशन पर आयकर विभाग, आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आश्रम एक्सप्रेस की तलाशी ली। इस दौरान 16 कार्टून में से 96 लाख रुपए और 2 किलो चांदी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि ये काला धन कहां पहुंचाया जा रहा था। त्यौहार को देखते हुए पिछले काफी समय से हमारा जो सघन चेकिंग अभियान चल रहा था अजमेर रेलवे स्टेशन पे, इसी के तहत आज उच्च अधिकारी के निर्देश से एटीएस द्वारा सूचना मिली, जिसके तहत अजमेर जीआरपी की टीम, एटीएस के एडिशनल साहब की नेतृत्व में उनकी टीम, आरपीएफ और इनकम टैक्स की टीम के तहत हमने आश्रम एक्सप्रेस के जो माल जा रहा था लगेज का, उस डिब्बे में से कुछ सस्पेक्ट कार्टून थे 16, उनको चेक किए तो चेकिंग के दौरान नकदी कुल 96 लाख नकदी मिली। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता सौरभ माथुर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी सौरभ, बताएं किस तरीके से ये संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है एटीएस और जीआरपी की ओर से? जी भारती, बिल्कुल, कल देर रात को आश्रम एक्सप्रेस में एटीएस को सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में नकदी और चांदी के जेवरात ट्रेन से दिल्ली से अहमदाबाद की ओर लेके जा रहे हैं, जिससे एटीएस ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की। पहले कार्रवाई जयपुर रेलवे स्टेशन पे की गई है, उसके बाद में अजमेर जीआरपी को एटीएस ने सूचना दी कि आश्रम एक्सप्रेस के जो लगेज वाली बोगी है उसके अंदर भारी मात्रा में नकदी और चांदी हो सकती है। इससे जीआरपी, इनकम टैक्स विभाग और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जब उसको चेक किया तो उसमें 16 कार्टून के अंदर चेक कर उसमें 96 लाख रुपए की नकदी मिली है और 2 किलो चांदी मिली है। सौरभ, ये बताएं कि जयपुर में जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अजमेर में जिस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या ये दोनों गिरोह आपस में मिले हुए हैं? क्या ये एक ही संयुक्त टीम है जो ये सोना और चांदी भरकर लेकर आ रही थी? हाँ जी बिल्कुल, प्रारंभिक जांच में ये सामने आ रहा है कि ये एक ही कोई हवाला कारोबार है, उसी से सारा मामला जुड़ा हुआ है, एक ही कारोबारी है ये। जी सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता सौरभ माथुर, फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे।